जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसएफ एक्ट एंड रूल देखने वाले हैं। तो सीएसएफ एक्ट 1968 का देखेंगे हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो ये सीरीज में क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, इसका स्पेशल कोर्स भी एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे लेके आया हूं। आपने देखा इस वर्ष पूरे क्वेश्चन जो है सीएसएफ आपके एक्ट एंड रूल से पूछे गए जनरल नॉलेज सेक्शन में। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो कम से कम हम 80% क्वेश्चन, अगर 50 के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 40 से ऊपर प्रश्न हम लोग का जीके में आपका सीएसएफ एक्ट एंड रूल से सही हो। अगर 10 क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कम से कम आपका 8 क्वेश्चन सही हो। तो इस बार जो है इस लेवल का मैं आप लोगों को एक्ट एंड रूल पढ़ाने वाला हूँ और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो आप अभी देखेंगे जब वीडियो को, आगे स्किप किए बिना देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़िएगा। वहां पे आपको आगे सीरीज मिलता रहेगा, पीडीएफ भी वहीं पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सीएसएफ एक्ट एंड रूल में आपकी दो चीजें हैं, एक तो आपका सीएसएफ एक्ट है जिसमें आपका सेक्शन दिए हुए हैं, सीएसएफ एक्ट 1968, उसमें आपके कुल कितने सेक्शन हैं, 22 सेक्शन हैं और आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह है आपका सीएसएफ रूल 2001, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सीएसएफ एक्ट 1968, अब 1968 का ये अधिनियम है और इसका क्रमांक कितना है, 50। तो आप इसका क्रमांक याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जब ये सीएसएफ एक्ट 1968 में आपका बना तो उसका क्रमांक क्या था, इसका क्रमांक जो था आपका 50। आगे स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। क्या है सेक्शन 1, क्या है आपका धारा 1, क्या है संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल, यानी इस धारा का जो है नाम क्या हो, ठीक है। जैसे किसी का बच्चा हुआ, कोई गाड़ी आप देखते हैं तो हर चीज का नाम होता है, उसी तरह इस धारा का नाम, इस आपका जो अधिनियम बना है इसका नाम क्या है, सीएसएफ एक्ट 1968। विस्तार, यह कहां तक आपका विस्तार होगा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रारंभ, ये प्रारंभ कब होगा, तो देखिए पहला, अब सेक्शन एक का सब सेक्शन एक, क्या सेक्शन एक का सब सेक्शन एक, यह अधिनियम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 का लाएगा। आपको सेम ये चीज पता होना चाहिए, यह अधिनियम क्या कहलाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 कहलाएगा। इसका विस्तार कहां तक होगा, संपूर्ण भारत पर होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है क्वेश्चन क्या बनेगा कि सीएसएफ एक्ट जो 1968 है उसका विस्तार कहां तक है, ऑप्शन दे दिया जम्मू को छोड़ के संपूर्ण भारत पे, नागालैंड को छोड़ के संपूर्ण भारत पे, एक ऑप्शन दे दिया संपूर्ण भारत पे, और चौथा ऑप्शन दे दिया पूरे विश्व में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका विस्तार जो हो जाएगा संपूर्ण भारत पर होगा। अगला क्या कह रहा है, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, यानी यह प्रवृत्त कब होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, गजट में अनाउंस करेगा। तो यह कब आपका अनाउंस किया गया था, तो यहाँ पर डेट लिखा गया है, देखिए इनफोर्स्ड ऑन 10 मार्च 1969, कब 10 मार्च 1969 से जो है ये आपका प्रवृत्त है, कब से 10 मार्च 1969 से। तो सबसेक्शन 1 क्या है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स एक्ट 1968, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे,
इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो कब से है? 10 मार्च 1969 से। अब हम आ जाते हैं सेक्शन दो पे। सेक्शन दो में आपका क्या दिया गया है? सभी डिफिनीशन दिए गए हैं, यानी कि परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? सभी डिफिनीशन दे गए हैं, यानी कि आपका परिभाषा दी गई है। तो क्या क्या परिभाषा है हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अब परिभाषा स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन दो में, तो वहां पे कई सब सेक्शन बनेंगे। सबसे पहला सब सेक्शन क्या बनेगा? ए से स्टार्ट होगा, जनरली ए बी सी डी ई एफ ए से स्टार्ट होगा। अब करता हूं बाद में भोपाल, थोड़ा वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे बड़ा जो फोर्स का मुखिया कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। तो जो ए होगा आपका सब सेक्शन ए होगा डायरेक्टर जनरल से होगा। तो देखिए सब सेक्शन ए किससे है? डायरेक्टर जनरल। क्या कह रहा है? डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन फोर। अब यहां पे ए भी क्वेश्चन है कि आपका जो महानिदेशक है डायरेक्टर जनरल है किस धारा के अंतर्गत, सीआईएसएफ एक्ट 1968 के किस धारा के अंतर्गत जो है अपॉइंट किया जाता है? तो सेक्शन फोर के अंतर्गत इसको अपॉइंट किया जाता है। और परिभाषा इसका कहां दिया गया है? सेक्शन दो के सब सेक्शन ए में, ए से स्टार्ट हो रहा है। और आप ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। डी से डायरेक्टर जनरल, ई से इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, एफ से फोर्स, एफ से फोर्स कस्टडी। अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ये आपको पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब ए तो हो गया, अब ए में चार हैं, ठीक है, ए में और आपके तीन हैं, ठीक है, कौन कौन है देखिए। अब ए का ए, ए का ए, डी से डायरेक्टर जनरल हो गया, फिर आ जाइए ई पे, तो डी ई एफ से आपको चार मिलेंगे। देखिए डी से क्या हो गया? डायरेक्टर जनरल, जो कि आपका सबसेक्शन ए में है। अब ए का ए, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, इनरोल्ड मेंबर कौन होता है? इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, और हेड कांस्टेबल से नीचे रैंक के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वो किसमें आ जाएंगे? आपके इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर क्या होता है? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं। और इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सुपरवाइजरी ऑफिसर। क्या कहा जाता है? सुपरवाइजरी ऑफिसर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स में कौन कौन आ गया? आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर। अंडर ऑफिसर किसको कहा जाता है? हेड कांस्टेबल रैंक को अंडर ऑफिसर कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। फिर इनरोल मेंबर में और कौन आ जाएंगे? कांस्टेबल, ठीक है, और जो आपके मेंबर हो गए। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स मीन्स एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और एनी अदर मेंबर ऑफ द फोर्स ऑफ ए रैंक लोअर देन दैट ऑफ एन अंडर ऑफिसर, यानी उसका रैंक अंडर ऑफिसर से नीचे होना चाहिए जितने भी हैं, ठीक है। और इसके कहा क्या कह रहा है? एनी अदर। अब आ जाते हैं हम ए का बी, फोर्स। फोर्स का मतलब बल, मीन्स बल का मतलब क्या है? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3A। तो किस धारा के अंदर इसको बनाया गया है? आपको सेक्शन तीन, कौन सा धारा? सेक्शन तीन। तो फोर्स से आप याद रखेंगे किसमें है? ए का बी में है। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है,
अभी एक पेज पे मैं आपको याद करा दूंगा। फिर आपका क्या है फोर्स कस्टडी, एक इसमें है एसी में है, एसी में क्या है फोर्स कस्टडी मींस द अरेस्ट आर कन्फाइनमेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ द फोर्स इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। फोर्स कस्टडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, बल की अभिरक्षा से अभिप्रेत है, बल के किसी सदस्य की इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार गिरफ्तारी अथवा प्रतिरोध। अब सोच रहे होंगे ये सब चीजें कैसे याद होंगी कि कौन सा किस में है, तो मैं आपको यहां पे लिख के याद कराता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने किसका बात किया, जो सबसे बड़े हमारे मुखिया हैं डायरेक्टर जनरल, किसका बात किया हमने, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल सर का बात किया। फिर ए का एम ए किसका हमने बात किया, यह डी से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने बात किया एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, किसका बात किया एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। एनरोल्ड मेंबर में कौन कौन आता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और अंडर ऑफिसर से नीचे रैंक के सभी कर्मचारी। फिर ए का बी में हमने क्या बात किया फोर्स, फोर्स का मतलब क्या हो गया आपका, ए आपका धारा तीन के अंतर्गत जो आपका सीएसएफ फोर्स बनाया गया है यानी कि बल। फिर ए के सी में हमारा क्या आ गया फोर्स कस्टडी, क्या फोर्स कस्टडी। तो ऐसे आप याद कर लो, देखो ए में आपके क्या क्या है, ए डबल ए बी ए सी, याद कर लो ऐसे, मतलब जो आपका है दूसरा धारा उसमें ए से स्टार्ट हो रहा है तो डीजी से स्टार्ट हो रहा है। फिर ए का ए में एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, फिर ए का बी में फोर्स के बारे में बताया गया है, फिर ए का सी में फोर्स कस्टडी के बारे में बताया गया। अगला है आपका, अभी हमने ए के बारे में देखा ए ए ए ए बी ए सी, अब हमारा आ जाता है सेक्शन दो का सब सेक्शन बी, क्या सेक्शन दो का सब सेक्शन बी। सब सेक्शन बी किससे है आपका, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से, किससे है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का तात्पर्य क्या है, एनी अंडरटेकिंग पर्टेनिंग टू ए शेड्यूल्ड इंडस्ट्री, कैसी अधिसूचित उद्यम, एंड इंक्लूड्स एंड अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन एनी अदर इंडस्ट्री आर इन एनी ट्रेड बिजनेस आर सर्विस विच मे बी रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो क्या कह रहा है, औद्योगिक उपक्रम से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो अधिसूचित उद्योग है और इसके अंतर्गत वे उपक्रम भी शामिल हैं जो किसी अन्य उद्योग अथवा व्यवसाय व्यापार अथवा सेवा में हों और जिन्हें संसद द्वारा विधि अनुसार अधिनियमित किया जाए। तो आपको क्या है, कैसे यहां प्रश्न क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि प्रश्न कैसे बनेगा। आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शब्द दे दिया जाएगा और उसका पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा इसका सही जो है परिभाषा है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। तो जब आप इसको एक दो बार पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में क्या क्या है। ठीक है, कुछ शब्द याद कर लेना, जैसे संसद द्वारा विधि अनुसार अधिनियमित किया जाए, क्या संसद द्वारा विधि अनुसार अधिनियमित किया जाए उसे क्या कहा जाएगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब कुछ शब्दों को याद रखना ताकि आप एग्जाम में कोरिलेट कर सके। आगे आते हैं हम लोग सी पे, बी के बाद आ जाते हैं सी पे, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक प्रभाग का औद्योगिक उपक्रम। सार्वजनिक प्रभाग का क्या आ जाता है, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, एनएमडीसी हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं सार्वजनिक प्रभाग के हो जाते हैं। मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड कंट्रोल्ड आर मैनेज्ड बाय,
सार्वजनिक प्रभाग औद्योगिक उपक्रम से अभिप्रेत है कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जो निम्न में से किसी के स्वामित्व का हो, नियंत्रित हो अथवा व्यवस्थापित हो। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहां से, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि सार्वजनिक उद्यम सॉरी सार्वजनिक प्रभाग का औद्योगिक उपक्रम किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ था पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन शायद वहां गलत दिया हुआ था, तो आप याद रखिएगा किसी शासकीय कंपनी द्वारा, जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है। कौन सा अधिनियम? शासकीय कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा कौन सी है? 617। तो याद रखिएगा कंपनी अधिनियम 1956 और धारा क्या है आपका? 617। फिर कोई ऐसा निगम जिसे किसी अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है और जिसे उनके द्वारा नियंत्रित या व्यवस्थापित किया जाता है। तो दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका अभिप्रेत क्या होता है, और आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, कह देगा उपरोक्त दोनों, फिर सिर्फ एक, सिर्फ दो, अगला हम लोगों ने देखा था सी, सार्वजनिक प्रभाग का औद्योगिक उपक्रम। अब हमारा आ जाता है सी का ए, क्या है? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि औद्योगिक आपका संस्था, मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर ए कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 आर ए फर्म रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच इज एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री आर इन एनी ट्रेड बिजनेस आर ए सर्विस। तो औद्योगिक संस्था से क्या अभिप्रेत है? देखिए, कोई भी औद्योगिक उपक्रम, कोई भी औद्योगिक उपक्रम या कंपनी जिसे कंपनी एक्ट 1956 की धारा 3 या कोई फर्म जिसे भारतीय सहभागिता अधिनियम 1932 की धारा 59 के अधीन पंजीकृत किया गया है, जो किसी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या सेवा में हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है आपका। ये देखिए, जो आपका 59 है, ठीक है, और यहाँ पे धारा 3 है, 1956 की धारा 3 और सहभागिता अधिनियम 1932 की धारा 59, यही सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वीडियो को देखना चाहिए, फिर इसका पीडीएफ को रीड करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सी का बी आ जाता है ज्वाइंट वेंचर। सी का ए में क्या था? औद्योगिक संस्था थी, यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। सी का बी में क्या आ जाता है? ज्वाइंट वेंचर, मींस ए वेंचर ज्वाइंटली अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब क्या हो गया आपका? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, और साथ में कौन होगा आपका? प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसे कहा, क्या कहा जाएगा? ज्वाइंट वेंचर कहा जाएगा। संयुक्त उद्यम से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निजी औद्योगिक उपक्रम के साथ
संयुक्तता वचनबद्ध किया गया उपक्रम। फिर ई में आ जाता है डी आपका कुछ नहीं है, डी में कुछ नहीं है। ई में आ जाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक, इसकी परिभाषा देखिए। इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स द पर्सन वेदर कॉल्ड ए मैनेजिंग एजेंट, जनरल मैनेजर भी उनको कहा जा सकता है, मैनेजर भी कहा जा सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाता है, या अन्य कोई नाम भी दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर ही एमडी ही कहें, और नाम भी हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है नाम, जनरल मैनेजर भी नाम हो सकता है। हु एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट अंडरटेकिंग, यानी जो आपका अंडरटेकिंग है उस पे उनका स्वामित्व होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। किसी औद्योगिक उपक्रम के संदर्भ में कोई ऐसा व्यक्ति, फिर यहां पे किंतु जो उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण रखता हो, जो चाहे प्रबंधक अभिकर्ता, सामान्य प्रबंधक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अथवा जो अन्य किसी नाम से जाना जाता है, किंतु जो उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाएगा। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंबर ऑफ द फोर्स किसे कहते हैं, मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स अंडर दिस एक्ट, बल का सदस्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बल में इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे इस बल में इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है उसे क्या कहा जाएगा, मेंबर ऑफ द फोर्स कहा जाएगा। फिर जी का ए छ क, प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या हो गए, जैसे रिलायंस हो गया, ये सब क्या हो गए, पतंजलि, ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो गए। मीन्स एन इंडस्ट्री ओन्ड कंट्रोल्ड आर मैनेज्ड बाय ए पर्सन अदर देन द सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई कंपनी है जो मैनेज्ड की जाती है, ओन्ड की जाती है, कंट्रोल्ड की जाती है, उस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं है, ठीक है, उसका पावर किस में है, किसी एक व्यक्ति या वो जो कंपनी के मालिक है उसके हाथ में है। आर एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर, निजी औद्योगिक उपक्रम से अभिप्रेत है कोई उद्योग जो केंद्रीय या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में किसी औद्योगिक उपक्रम से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्व का हो, द्वारा नियंत्रित हो अथवा व्यवस्थापित हो। अगला है आपका शेड्यूल्ड इंडस्ट्री, यानी कि अधिसूचित उद्योग। अधिसूचित उद्योग से अभिप्रेत है कोई ऐसा उद्योग जो किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में संलग्न है जो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में दर्शित है। तो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री किसे कहा जाएगा, ऐसा कोई इंडस्ट्री जो आपका ऐसा किसी वस्तु का उत्पादन करता है या निर्माण करता है जो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951, कौन सा अधिनियम, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 की किस अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। तो यही आपसे पूछेगा कि शेड्यूल्ड इंडस्ट्री किसे कहा जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा शेड्यूल्ड इंडस्ट्री उसे कहा जाएगा जो किसी ऐसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है जो आपका औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 की यहां दे सकता है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, या यहां पे ईयर बदल देगा, ठीक है, कह दे कि 1953 की प्रथम अनुसूची, तो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1951 की प्रथम अनुसूची में दर्शित है। अगला,
सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर मैंने आपको बताया कौन कौन होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आप बस इसका याद कर लीजिए, एच ए में है, किसमें, एच ए में, मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज एन इंस्पेक्टर, ए सब इंस्पेक्टर और एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर आपका आ जाता है सुपरवाइजरी ऑफिसर, मीन्स सुपरवाइजरी ऑफिसर का मतलब क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4, यानी कि जिन ऑफिसरों को धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। आपने शुरुआत में देखा जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी सेक्शन 4 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑफ द फोर्स, पर्यवेक्षण अधिकारी से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है और इसमें कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। लास्ट है आपका, तो यहां से सेक्शन 2 खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आप अपना यूनिट का नाम भी कमेंट कर सकते हैं कि कहां कहां से आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है। अंडर ऑफिसर मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज हेड कांस्टेबल इफ एनी इन फोर्स इन दैट एरिया, अवर अधिकारी का रैंक क्या होता है हेड कांस्टेबल का। तो फ्रेंड्स मेरा भी 12 घंटा नाइट का ड्यूटी है, तो मैं दिन में इस पीडीएफ को बनाने में मैं बता रहा हूं कम से कम 2.5 घंटे मुझे लगे हैं, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। इसको बनाने में 2 से 2.5 घंटे दोस्त लगे हैं और ये वीडियो बनाने में लगभग मुझे लग रहा है 1/2 घंटा। तो आप मेरे मेहनत को साकार करने के लिए आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, ताकि आप जो है यहाँ पे कंधे पे आप स्टार आप भी लगा सकें, ठीक है। पढ़ना आपको ही होगा और अभी से लगे रहेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी है। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँ। तो आज ही आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार, वहाँ पे आपको CSF SILDC का स्पेशल कोर्स दिख जाएगा, तो वहाँ कोर्स जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।